भरतपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत हजारों लोगों ने करीब 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को आवश्यक रूप से वोट डालने का संदेश दिया और ये मानव श्रृंखला जिला कलेक्टर से प्रारंभ होकर हीरादास बस स्टैंड तक बनाई गई। इस मानव श्रृंखलाओं में आमजन, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, NCC, नगर निगम, परिवहन विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और स्कूली बालक बालिकाओं ने भी हिस्सा लिया। वहीं मानव श्रृंखला की निगरानी के लिए 6 पर्यवेक्षक भी लगाए गए। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आरुषि अजय मलिक ने मानव श्रृंखला का निरीक्षण किया। मई को भरतपुर में मतदान है और इसी को स्वीप के तहत हमने आज यह मानव श्रृंखला बच्चे और सभी जो विभिन्न व्यापारी वर्ग हैं इन सब के साथ मिलकर ये प्रयास किया है। बहुत प्रसन्नता है कि बहुत बड़ी संख्या में करीब 5,500 के करीब जो है वो। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।